हिमाचल प्रदेश सरकार में आईजी इंटेलिजेंस के पद पर कार्यरत आईपीएस रामेश्वर सिंह ठाकुर ने राज्य लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष की शपथ ग्रहण कर ली है। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ हर्लेकर ने राजभवन में उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। सेवानिवृत्त आईएएस राकेश शर्मा, कर्नल राजेश शर्मा और एचपीयू के सेवानिवृत्त प्रोफेसर नैन सिंह ने भी सदस्यों के तौर पर शपथ ली है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग पिछले लंबे समय से बहुत अच्छे ढंग से कार्य कर रहा है। कई महत्वपूर्ण पदों के लिए नियुक्तियां ये आयोग करवा रहा है। उन्होंने लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को इस जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं दी। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष रामेश्वर सिंह ठाकुर ने कहा कि उनके लिए ये जिम्मेदारी नई है। वे पहले पूरी कार्य प्रणाली को समझेंगे, सभी नियुक्तियां पारदर्शिता से हो ये उनकी प्राथमिकता रहेगी। बता दें कि शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के तहत जुबड़हट्टी के निवासी रामेश्वर करीब 9 वर्षों तक प्रधानमंत्री के विशेष सुरक्षा बल में सेवाएं दे चुके हैं। 2016 में इन्हें राष्ट्रपति पुलिस पदक मिल चुका है। 1994 में पुलिस में जाने से पहले वे 1990 में भारतीय सेना से बतौर कैप्टन सेवानिवृत्त हुए थे। वीरवार को अध्यक्ष पद के लिए अधिसूचना जारी होने के बाद उन्होंने समय से पूर्व सेवानिवृत्ति ले ली है। वर्ष 2024 में इन्होंने सेवानिवृत्त होना था। मैं रामेश्वर सिंह ठाकुर सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा और मैं अपने कर्तव्यों का निर्वहन ईमानदारी से करूंगा। मैं रामेश्वर सिंह ठाकुर अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग सत्य निष्ठा से घोषणा करता हूं कि मैं अपने कर्तव्यों का पालन अपनी योग्यता ज्ञान एवं समझ से निष्ठापूर्वक निर्वहन करूंगा। मैं रामेश्वर सिंह ठाकुर सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि जो विषय हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जबकि ऐसे अध्यक्ष के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। मैं कर्नल राजेश कुमार शर्मा सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा और मैं अपने कर्तव्यों का निर्वहन ईमानदारी से करूंगा। मैं कर्नल राजेश कुमार शर्मा सदस्य हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग सत्य निष्ठा से घोषणा करता हूं कि मैं अपने कर्तव्यों का पालन अपनी योग्यता ज्ञान एवं समझ से निष्ठापूर्वक निर्वहन करूंगा। मैं कर्नल राजेश कुमार शर्मा सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि जो विषय हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जबकि ऐसे सदस्य के रूप में अपने कर्तव्यों के समय निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। राकेश शर्मा सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा और मैं अपने कर्तव्यों का निर्वहन ईमानदारी से करूंगा। मैं राकेश शर्मा सदस्य हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग सत्य निष्ठा से घोषणा करता हूं कि मैं अपने कर्तव्यों का पालन अपनी योग्यता ज्ञान एवं समझ से निष्ठापूर्वक निर्वहन करूंगा। मैं राकेश शर्मा सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि जो विषय हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जबकि ऐसे सदस्य के रूप में मैं अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना
अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। मैं डॉक्टर नैन सिंह सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा और मैं अपने कर्तव्य का निर्वहन ईमानदारी से करूंगा। मैं डॉक्टर नैन सिंह सदस्य हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग सत्यनिष्ठा से घोषणा करता हूं कि मैं अपने कर्तव्यों का पालन अपनी योग्यता ज्ञान एवं समझ से निष्ठापूर्वक निर्वहन करूंगा। मैं डॉक्टर नैन सिंह सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि जो विषय हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जबकि ऐसे सदस्य के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे जो ईश्वर ने और हिमाचल की जनता ने मौका दिया है मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उस विश्वास पे खरा उतरूं। मैं पहले जाके कमीशन की क्या वर्किंग है क्योंकि मेरे लिए सब कुछ नया है उसको समझने की कोशिश करूंगा और उसके बाद आपके जो भी प्रश्न होंगे और क्वेरीज होंगी उनका पूरा उत्तर दूंगा। अभी मेरी यही कोशिश रहेगी कि पूरी ट्रांसपेरेंसी से ताकि लोगों में किसी भी प्रकार का भ्रम पैदा ना हो कमीशन की जो भी प्राथमिकता है उनको पूरा करने की कोशिश करूँगा। सर आप सेना में रहे हैं पहले फिर पुलिस में आए और ये एक नया जॉब आपके लिए है तो किस तरह से माइंडसेट तैयार किया है? मैंने आपको बताया ना पहले जाके कमीशन के बारे में क्या वर्किंग है उसकी स्टडी करूंगा उसके बाद में आप जो भी पूछेंगे फिर पूरी आपको पूरा जवाब देंगे उसके बाद। सभी चेयरमैन और सभी सदस्यों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग बहुत बेहतर ढंग से काम कर रहा है। पिछले कई वर्षों से बहुत सारी जो रिक्तियां हिमाचल प्रदेश में रहती हैं पदों को भरने की दृष्टि से उसके लिए बहुत सफलतापूर्वक एग्जाम कंडक्ट करना और साफ सुथरे तरीके से और उसमें जो परिणाम अभी तक हमारे सामने आए हैं वो अच्छे रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में भी सारी टीम बनी है ये टीम अच्छे बेहतर ढंग से काम करेंगे। सर कोरबुक की कल बैठक हुई है क्या प्रधानमंत्री जी के दौरे का भी कोई कार्यक्रम बना है? जी आगे का रोड मैप बना है बहुत सारी चीजें हैं कोरबुक की बातें हैं आपसे तो नहीं हो पाएंगी। ठीक है थैंक यू प्लीज थैंक यू।